तो एक दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा क्या तैयारी चल रही, तो उनको ये फॉर्म उनका परिचय भी दिखाया। दे दीजिए, लोगों को नहीं पता वो भाजपा के नेता थे, उनका परिचय भी दे दीजिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का। ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यहाँ कैबिनेट मंत्री थे और राजस्व मंत्री थे, फैजाबाद जनपद के प्रभारी मिनिस्टर थे, वो प्रभारी मंत्री थे मेरे, उनके संबंध बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत मानते थे। उनको ये पता था देर सवेर यही जुनूनी लोग हैं जो निहंग सिखों की तरह हैं, ये काम करेंगे, देव शिवा वर मोहि। मैं जब मुझे मिलते तो वो मुझे ये गाना सुनाते, देव शिवा वर मोहि है शुभ कर्मन्ते कबहु न टरे, तो वो उनको सुनाते और गुनगुनाते रहते, बहुत मानते थे। वो बड़े वंदनीय व्यक्ति, दुनिया में जहां भी हो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, बहुत वीर पुरुष थे। तो उन्होंने फार्म देखा तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी को दिखलाया कि नहीं इसे, तो मैंने बताया कि अभी नहीं देखा है, उन्होंने कहा दिखलाओ। तो वो सब जानते थे हम लोग कहाँ मिल रहे हैं क्या है, तो एक दिन फार्म लेकर मैं सरयू तट पर आया। उन दिनों राम की पैड़ी ऐसी नहीं थी, सब सीधा आते जाते थे, तो वहां मैं बैठा, स्कूटर खड़ी किया बैठे, तभी महाराज जी आ गए। जब मैंने उनको पूरा फार्म दिखाया तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और कहा शाबाश अब काम हो जाएगा। तो मैंने कहा महाराज जी हमको सिर्फ इतना बता दें, ये बात तो सब ठीक है पर उसे तोड़ेंगे कैसे, तोड़ने वाली व्यवस्था कैसे होगी। तो बोले समय आने दो, क्योंकि ये 5,000 लोग पर्याप्त नहीं है और आपको समय पर सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। जब विश्व हिंदू परिषद यह घोषणा करे कि अब कार सेवा करेंगे, तो उनके पास एक शब्द रहता है कार सेवा करेंगे। अब उनकी कार सेवा क्या होगी वो विषय तुम्हारा नहीं है, जब वो लाखों लोगों को जुटाएंगे तब ये तुम्हारे 5,000 लोग काम आएंगे। इनको अयोध्या बुला लेना, कोई एक कोड दे देना कोड। तो मैं सोचता था कि कोड क्या हो सकता है, तो मेरी स्कूटर का नंबर था UH 8850, ये स्कूटर ही थी जो इन 5,000 लोगों को जुटाने में सहयोगी रही। तो मैंने लोगों को बता दिया था कि जब ये हम चिट्ठी में लिखेंगे, वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था तो ओपनली जाता था, हमने लोगों को बता रखा था जब लिखेंगे कि आपको कार सेवा हेतु 8850 की कार सेवा हेतु अयोध्या आना है, तो आप सब समझ लीजिएगा आप तोड़ने के लिए तैयार होकर चलेंगे। तो इस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी कि हम 6 दिसंबर को, वो प्रयाग से घोषणा हुई कुंभ से कि 6 दिसंबर को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा होगी, देश विदेश के सब लोग आएंगे, जैसा होता था वो अपना जो बोलते थे। और इस बीच महाराज जी से मैंने कहा कि सरकार अब घोषणा हो गई, हमने भी चिट्ठी लिख दिया, हमने 5 दिसंबर की शाम को सबको बुला लिया है, अब कृपया ये बताएं कि तोड़ने का साधन क्या है। तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए आपके पास एक आदमी आएगा, वो आपको कहीं ले जाएगा, चले जाना, डरना मत, जहां ले जाएंगे वो सब मिल जाएगा, जिसके पास ले जाएंगे वो सारी व्यवस्था करा देगा। संजोग था कि मेरे पास इस घटना से 6 दिसंबर से महाराज जी ने कहा कि कोई आएंगे जो तुमको ले जाएंगे, किसी से मिलवाएंगे, ठीक है। हाँ, वो आपको ले जाएंगे और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे, ऐसे दानवीर शूरवीर धर्मवीर कर्मवीर राष्ट्रवीर से मिलवाएंगे, ये शब्द उन्होंने कहा था कि आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो। तो मैं इंतजार कर ही रहा था, एक दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मेरे पास आए शाम को, और मेरे पास आए तो बोले, मेरे पीठ पर हाथ रखा, बहुत लंबे थे वो, आपने देखा रहा होगा बहुत लंबे थे, तो मेरे पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने कहा कि क्यों भाई संतोष, कछु करनो भी है, गले जा रहे हो चिंता में, कछु करनो भी, ढांचा तोड़ना होगा, बस खाली योजना बनानी है। तो मैंने कहा नहीं भैया तोड़ना है, बस हथियार की तैयारी है, मिल नहीं रहा है। तो बोले क्या चाहिए, तो हमने कहा हथौड़े और सब्बल गैंती ये सब चाहिए, बोले चलो मेरे साथ अभी चलो इसी समय मैं उपलब्ध कराऊंगा। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, ले गए लखनऊ, और दूसरे दिन सुबह अमृतसर गाड़ी, फिर बदल गई वो गाड़ी, वो सरकारी लाल बत्ती गाड़ियां उन दिनों होती थी, अमृतसर में बिठाया और मुझे लेकर चले गए वो दिल्ली। मैंने पूछा नहीं, मुझे तो गैती घन हथौड़े चाहिए, सब्बल चाहिए, वो कोई नहीं देता, मैं उसके साथ चल देता, मुझे तो एक काम करना था कि ढांचों को तभी तोड़ा जा सकता जब हथियार हो। तो वो लेकर दिल्ली गए और
मैंने पूछा नहीं तो उन्होंने बताया नहीं। फिर अंधेरा होने लगा तो मैंने इशारा किया कि भैया, बोले ये दिल्ली दिलवालों की है, अभी तुमको दिलवाले से मिलाऊंगा। तो मैंने देखा कि गाड़ी प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश कर रही है, वो सारे बैरियर हट जाते थे। इनका नंबर देखकर कोई दौड़ कर आता सिक्योरिटी वाला, वो ज्यादातर वो डिप्टी एसपी रैंक के लोग होते थे। तो मैंने देखा कि जैसे ही इनकी गाड़ी वहां बैरियर लगता, वो आता दौड़कर सलूट मारता इनको, बैरियर उड़ जाता, चले गए। इस तरह हम लोग वो दृश्य आपको प्रधानमंत्री आवास में गए। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव जी थे, बिल्कुल बिल्कुल।